तो आज मैं बताने वाली हूँ मैं कैसे बनाती हूँ दूधी यानी कि लौकी के कोफ्ते, जो बहुत बढ़िया बनते हैं। मतलब मेरे बच्चों को मुझको बहुत पसंद है, हमारी फेवरेट डिश है एंड बहुत टेस्टी है। घर की रेसिपी है, सिंपल है, बहुत अच्छी है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये मैंने ले लिया है दूधी लौकी, उसका ऊपर का पार्ट मैंने ऑलरेडी काटा हुआ है, आपको दिखाऊंगी मैं। इसको छील लेना है और इस तरह से छील के उसको ग्रेट करना है हमको ग्रेटर से। अगर आपके पास ग्रेटर नहीं है तो चॉपर कर सकते हैं यूज़। मेरे पास दो है, छोटा वाला साइज़ का भी है, बड़े भी है, तो मैं बड़े वाले से ग्रेट करने वाली हूँ। तो जो अच्छा कोफ्त में जो आता है लौकी का टेस्ट काफी बढ़िया आता है। तो ये देखिए मैंने बड़े वाले ग्रेटर से ग्रेट किया है और मैं सब पूरा जो है लौकी इस तरह से ग्रेट कर लूंगी। एंड अब इसमें डाला है मैंने बेसन अराउंड 3 बड़े चम्मच, और इसे बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है क्योंकि दूधी में ऑलरेडी पानी होता है। धनिया डाला है बारीक काट के, आप चाहें तो हरी मिर्ची डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाली हरी मिर्ची, बच्चे इनकी मुंह में आएगी इसलिए। नमक डाला है स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ अराउंड 2 1/2 छोटा चम्मच, धनिया पाउडर, और फिर डालूंगी गरम मसाला पाउडर थोड़ा सा कोफ्तों में क्योंकि ग्रेवी में भी मसाले होने वाले हैं। और देखिए मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है, मैं ऐसे ही इसको मिक्स कर रही हूँ और ऐसे ही इसकी जो कंसिस्टेंसी है जो होता है भजिया कोफ्ता वैसा बन जाएगा। तो बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना है, दूधी का पानी निकालना भी नहीं है, निचोड़ना भी नहीं है। तो दूधी के पानी में ही बेसन का, देखिए ये बन गया है भजिया का बैटर इज रेडी, कोफ्ते का बैटर रेडी हो गया है। अब तेल मैंने गरम कर लिया है कढ़ाई में, और यहाँ पर मैं इस कढ़ाई में कोफ्ते फ्राई करूँगी और इस कढ़ाई में बनाऊँगी मैं ग्रेवी विद कोफ्ता। एंड बैटर को देखिए रेडी है। अब जैसे तेल गरम होगा अच्छे से, तब मैं इसके छोटे छोटे से ले लूँगी बॉल और इसको मैं फ्राई कर लूँगी। ज़रा बड़ा बॉल मत लेना क्योंकि अंदर से कच्चे हो जाएंगे, तो आप थोड़ा साइज़ जो है मीडियम से स्मॉल रखिए। और मैंने गैस देखिए धीमी कर लीजिए कर ली है, एक बार तेल गर्म हो जाता है तो गैस धीमी कर लीजिए जैसे अंदर से थोड़ा कोफ्ता पक जाए। और देखिए साइज़ शेप जो है वो मेरा गोल नहीं आता क्योंकि ये जो थोड़ा ढीला बनता है, मैं बिल्कुल बेसन जो है मैं कम डालती हूँ, जैसे कोफ्ते का दूधी का जो टेस्ट है काफ़ी अच्छा है तो मैंने बेसन कम डाला है। अगर आप डालेंगे बेसन ज़्यादा तो आपका पूरा गोल शेप आएगा कोफ्ते का, बट आई थिंक टेस्ट मैटर मोर देन द शेप। तो आप बेसन कम डालिए तो टेस्ट अच्छा आएगा और सॉफ्ट बनेंगे आपके कोफ्ते दूधी के। तो मैं धीरे धीरे छोड़ रही हूँ तेल में कोफ्ते, और मैंने गैस अभी भी धीमी करी हुई है। एक बार जब छोड़ने के बाद मैं फिर गैस थोड़ी सी फास्ट कर दूंगी और फिर इसको मैं देखिए गोल्डन ब्राउन करूंगी, और ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इसको फिर मैं इस तरह से मैं इसको निकाल लूंगी ऑन द इन द प्लेट। सो ये रहे कोफ्ते। अगर आप चाहे तो ये कोफ्ते एज अ भजिया भी खा सकते हैं विद सॉस एंड ग्रीन चटनी, एंड अगर आप चाहे तो इसको मैं बनाती हूँ इन द ग्रेवी, क्योंकि बच्चे ज़्यादा खुद खाते नहीं है दूधी की कोफ्ते या ऐसे विद सॉस। देखिए अंदर से देखिए कितनी बढ़िया है, बिल्कुल कच्ची नहीं है, और आपको दिख रहा है कि अंदर वो पूरे लौकी के जो है ना दाने दिख रहे हैं, तो बेसन कम है इसलिए। अब मैं सेकेंड बैच भी फ्राई कर लूँगी एंड इसी तरह से मैं सारे जो है कोफ्ते फ्राई करके साइड में निकाल लूँगी, और इसके बाद हम लोग जाएंगे तड़का की तैयारी करेंगे। पहले हम कोफ्ते फ्राई करके साइड में रख लेंगे क्योंकि जो तेल है कोफ्ते का, इसी तेल को हम लोग यूज़ करेंगे ग्रेवी में सब्जी बनाने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि कोफ्ते कैसे बने हैं, एंड आई थिंक कोफ्ते ऐसे ही होते हैं। मैं तो भैया ऐसे बनाती हूँ, मेरी मम्मी भी ऐसे ही बनाती है। अगर आप चाहें तो इसमें गोभी और सब्जी भी ऐड कर सकते हैं, कैप्सिकम अगर आपके पास है, अगर आपको ट्राई करना है। मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं, 5-6 लहसुन की तूरी ले ली है, और थोड़ा सा लूँगी मैं अदरक छील के ले लिया है। इसका बना लूँगी पेस्ट, तेल गरम कर लिया है, डालूँगी जीरा, फिर जो मैंने मसाला पीसा था धनिया प्याज अदरक लहसुन का उसको डाल दूँगी इसके अंदर तेल के अंदर, और इसको मैं मिक्सअप कर लूँगी अच्छे से। और फिर इसमें डालूँगी मैं 2 टमाटर बड़े साइज़ के हैं तो 2 लिए हैं, छोटे तो 3 लेना, बड़े बड़े काट के इसको पीस लो मिक्सर में। जब ये मसाला गोल्डन ब्राउन होने लगे तो डाल दो इसमें टमाटर की प्योरी। और देखिए सिंपल सा है ये, तो मैं आपको पता है मेरी ग्रेवी जो रहती है मोस्टली यही रहता है, यही मेरी स्टेप्स होते हैं इन फॉर द ग्रेवी। आलू मटर बोलो, पनीर की सब्जी बोलो, कोफ्ता बोलो, तो ये ग्रेवी मेरी फिक्स है, बहुत टेस्टी बनती है इसलिए मैं फिक्स रखती हूँ इसको। अब इसमें डालेंगे हम लोग नमक, जब टमाटर तेल छोड़ना शुरू करेगा तो नमक डाल दीजिए आप एज़ पर योर टेस्ट। लाल मिर्ची डालेंगे अराउंड 2 स्मॉल चम्मच है तो 2 डाल रही हूँ मैं, आपके पास बड़ा चम्मच होगा तो आप खाली 1 डालना। एंड ये डाल दिया है गरम मसाला पाउडर, ख़त्म हो गया है मुझे रिफ़िल करना है, तो ये रहा गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, एंड इसमें डालूंगी मैं हल्दी पाउडर, और इसको मैं कर लूँगी मिक्स।
मसाला पक चुका है, तेल छूट रहा है, मतलब कि ये रेडी हो गया है। अब इसको हम लोग बनाएंगे ग्रेवी में। थोड़ा और भूजूंगी 2 मिनट के लिए, तो मसाला थोड़ा पक जाए, अच्छे से चले जाए उसके अंदर। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। एंड आप इसमें चाहे तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसमें डालिए आप पानी अराउंड 3 ग्लास। आप चाहे तो काजू का ग्रेवी, क्रीम, आपको जैसे करना आप कर सकते हैं, बट मैं नहीं डालती हूँ काजू की ग्रेवी, मलाई वलाई। पर आपको अगर रेस्टोरेंट का टेस्ट चाहिए तो आप डाल सकते हैं। तो मैंने 3 ग्लास पानी डाल के इसको ढक के रख दिया है। एक पूरा जब अच्छे से बॉयल आएगा तब मैं गैस धीमी करूँगी। तो देखिए मैंने इतना पानी डाला है और ये अच्छे से बॉईल होना शुरू हो गया है, तो मैंने अभी गैस धीमी कर दूंगी, सिम इसकी धीमी कर दूंगी, और मैं कोफ्ता बाद में ऐड करूंगी जब पूरी ग्रेवी पकने वाली होगी। जस्ट तो देखिए ग्रेवी गाढ़ी हो गई है, पक गई है। अब इसमें कोफ्ता ऐड कर सकते हैं। देखिए इस तरह से ग्रेवी बनी है। अच्छा, ये क्रीम रिच नहीं है, मलाई वाला ऐड नहीं करी है, आप ऐड कर सकते हैं, पहले ही बता चुकी हूँ। और इसमें मैंने ऐड कर दिया है कोफ्ते। अब कोफ्ते ऐड करने यहाँ पर हृदय आया है पूछने की क्या हो रहा है। कोफ्ते ऐड करके इसको मिक्स कर लूँगी। अब हमें खाली बस इसको 3 से 4 मिनट से पकाना है, क्योंकि कोफ्ते ऑलरेडी सॉफ्ट है। 3-4 मिनट में कोफ्ते का अंदर जो ग्रेवी का फ्लेवर आ जाएगा, तो उसको मैं गैस धीमी करूँगी, पहले 2 मिनट के लिए फास्ट करूँगी, उसके बाद उसको मैं धीमी करूँगी 2 मिनट के लिए। तो बस 3-4 मिनट में कोफ्ता इज रेडी। आप 3-4 मिनट से ज़्यादा कोफ्ता मत रखना ग्रेवी में गैस में चलती हुई में, क्योंकि वो सॉफ्ट हो जाएगा और टूट जाएगा, बहुत ज़्यादा गेपा हो जाएगा। तो कोफ्ते ऑलरेडी सॉफ्ट बने हैं क्योंकि मैंने पानी नहीं डाला है, बेसन कम डाला है, इसलिए आप इसकी गैस बंद कर दीजिए। अब इसको सर्व करो गर्मा गर्म विथ राइस और रोटी एंड सलाद, बूंदी का रायता, जैसे आप चाहते हैं। एंड हम लोग ये आज खाने वाले हैं डिनर में, तो आई होप आपको उस रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप मेरे YouTube चैनल गरिमा एक्सपर्ट को फॉलो कर लीजिए।